सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजकुमार सपोर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अपना जो भी वीडियो हम अपलोडिंग करते हैं, चाहे अपना वीडियो कितने भी मेहनत से बनाए हुए हैं, तो वीडियो को अपलोडिंग हम कैसे कर रहे हैं कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आए, उसका इंप्रेशन बढ़े, वो और लोगों में भी शो करे, वो वायरल होने का भी चांसेस बढ़ जाए। तो आपको अपने वीडियो अपलोडिंग करते समय आप बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, जिसके चलते जो आपका वीडियो है आपके चैनल में ही सीमित रह जाता है, वो बहुत लोगों में शेयर नहीं होता है। तो आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ कि अपना जो वीडियो है उसको किस तरीके से अपलोडिंग करना चाहिए, आपको कौन कौन से उसे पॉइंट हैं को आपको ध्यान में रखकर ही अपना वीडियो को अपलोडिंग करना चाहिए, और अपलोडिंग करने के बाद उसे रिलीज करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे बताता हूँ बोलकर, और कुछ अपने होम स्क्रीन पर भी चल के दिखाऊंगा कि आप भी अपना वीडियो किस तरीके से अपलोडिंग करें। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार, आप देख रहे हैं राजकुमार सपोर्ट। दोस्तों, अगर वीडियो ऐसे ऐसे नॉलेजबल जानते रहने के लिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम वीडियो अपलोडिंग करते समय जो हम पहला गलती करते हैं, तो अपना जो वीडियो को अपलोडिंग करते हैं उसको हम डायरेक्टली पब्लिक में अपलोडिंग कर देते हैं। दोस्तों, पब्लिक में अपलोडिंग करने से क्या क्या घाटा है कि जो हम उस पर थंबनेल नहीं लगा सकते, साथ ही उसका टैग डिस्क्रिप्शन टाइटल को भी हड़बड़ी में एडिट डालकर उसे हम अपलोडिंग कर देते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो को अपलोडिंग करने के लिए जितना मेहनत अपने वीडियो बनाने के लिए लगाए हैं, आपको अपलोडिंग करने के लिए बहुत सारे पॉइंटों का ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप वीडियो को हड़बड़ी में अपलोडिंग करते हैं तो आपका वीडियो आपके ही चैनल में सीमित रह जाता है और लोग में भी नहीं जाता है, उसका यूट्यूब इंप्रेशन भी नहीं सेंड करता है। तो आपको सबसे पहले जो पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि आपको जो भी वीडियो अपलोडिंग करते हैं उसको आपको प्राइवेट में अपलोडिंग करना है, आपको पब्लिक में नहीं अपलोडिंग करना है, प्राइवेट में या फिर आप पब्लिक में उसे अपलोडिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, दूसरा टिप हो गया कि अपलोडिंग करने के बाद आपको चले जाना है अपने Y2 स्टूडियो में। तो देख सकते हैं, मैंने अपने Y2 स्टूडियो ओपन कर लिया। जो भी आप वीडियो को प्राइवेट में या फिर अनलिस्ट में अपलोडिंग करते हैं, तो आपको अपलोडिंग करने के बाद उसको आपने चल जाना है अपने Y2 स्टूडियो में। ठीक है दोस्तों, Y2 स्टूडियो में जाने के बाद आपको उसको क्लिक करके उसको ओपन कर लेना है। आपको इस तरीके का रिएक्शन देखने को मिलेगा जब आप उसे ओपन करेंगे। दोस्तों, आपको सबसे पहले आप जो भी वीडियो बनाए हैं उसको वीडियो में आपको तो थंबनेल लगा देना है, क्योंकि आपको वीडियो पर जितना भी सारे क्लिक आते हैं, CTR हाई होता है, आपका इंप्रेशन बढ़ता है, लोग क्लिक करके वॉच करते हैं। वीडियो के अंदर कुछ भी हो, आपका थंबनेल तो अच्छा होना चाहिए। तो आपको अपलोडिंग करने के बाद पहला स्टेप में आपको उस पर थंबनेल लगा लेना है। ठीक है, थंबनेल लगाने के बाद उसे आपको ओके कर लेना है, फिर से आ जाना है यहाँ इस साइड में, फिर से आपको क्लिक करके आपको चले जाना है। दोस्तों, आपको वीडियो अपलोडिंग करने के लिए तीसरा टिप हो गया कि आपको जो उसका टाइटल होता है उसको बहुत ही लेंथी, जितना से कम हो सके, जो आप यूट्यूब पर जो भी आपको रिलेटेड वीडियो बनाए हैं, यूट्यूब वाले जो भी व्यक्ति हैं उसमें क्या क्या कह के सर्च मार सकते हैं, आपको उसको ध्यान रखते हुए आप जो भी वीडियो बनाए हैं उसको आपको सोचना होगा कि हमारे वीडियो को लोग क्या क्या कह के सर्च कर सकते हैं। तो आपको उसको दिमाग में रखते हुए आपको टाइटल बहुत ही छोटा से छोटा हो सके उसको आपको टाइटल में देना है, और आपको टाइटल में जो भी आप पहला अक्षर लिखते हैं उसको आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, जिससे वो अच्छा दिखे, लोग देखो उसे प्रभावित हो, क्लिक करें। तो आपको टाइटल को बहुत ही सोच समझ के अच्छे से लगाना है। आप उसमें इमोजी वगैरह भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें YouTube अलाउ करता है, तो आप इमोजी वगैरह भी यूज कर सकते हैं। और आपको टाइटल को दो तरीके से लिखना है, एक लिखना है अपने इंग्लिश में, जैसे कि जो भी लिख रहे हैं कि हाउ टू मेक HD थंबनेल, अपना थंबनेल HD में कैसे बनाए, एक जो भी टॉपिक है दो तरीके से बन गया, एक HD में, सॉरी एक इंग्लिश में, एक हिंदी में। तो अपने टॉपिक को आपको दो तरीके से लगाना है। ठीक है, तो आपको वीडियो अपलोडिंग करने के लिए पहला टिप है कि आपको थंबनेल बनाना है, दूसरा में है कि आपको अपना टॉपिक जो भी है उसको आपको अच्छे से लेंथी रूप से लिख कर लगाना है। दोस्तों, जो तीसरा बात आता है डिस्क्रिप्शन का, आप देख सकते हैं मेरा आपने डिस्क्रिप्शन ओपन किया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लगाते हैं उस वीडियो में हमने क्या क्या बताया है, साथ ही अपने बारे में भी डिस्क्रिप्शन में हम लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप जो भी टैग लगाते हैं उसको आपको टैग, डिस्क्रिप्शन और टाइटल तीनों मैच होने चाहिए, जो कि आप YouTube पर जो भी वीडियो अपलोडिंग करते हैं तो उसको YouTube 48 घंटे के अंदर उसको वेरीफाई करता है, उसे सर्च में भेजना शुरू करता है। तो आप जो टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन आपको
तीनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको टैग में, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले आप जो भी टाइटल लगाया है उसको आपको कॉपी करना है और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ला के पेस्ट कर देना है, क्योंकि आपका टैग, डिस्क्रिप्शन, टाइटल तीनों मैच करने चाहिए। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले तो टाइटल को जो भी लिखे हैं उसको आपको पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको टाइटल जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको आपको लंबा से लंबा लिखना है, जैसे कि 5000 वर्डों में हमें डिस्क्रिप्शन लिखने को अलाउ करता है। तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं, मैं लंबा डिस्क्रिप्शन लगाता हूँ। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना है, सबसे पहले आप योर क्वेरी करके आप उस वीडियो को लोग क्या क्या कह के सर्च कर सकते हैं, आप उसको योर क्वेरी लिख के उसको क्लाइंट से लिखते जाएं, उसमें कोमा वगैरह ना लगाएं, क्योंकि यूट्यूब के चीटिंग के रिलेटेड आ जाता है। तो आपको कोमा वगैरह ना लगाएं, आपको स्टेप बाय स्टेप लाइन से अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना है। दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हैशटैग लगाना नहीं भूलना है, आपका वीडियो जिसके भी रिलेटेड है आपको हैशटैग लगाना है, साथ ही आपको एक पर्सनल हैशटैग लगाना है, जैसे मैं लगाता हूँ एक्टिव ट्रिक करके या फिर राजकुमार करके। आपको भी अपने चैनल के नाम को हैशटैग लगाना है, अपने चैनल को नाम को लिखना है, ताकि फिर उसी को हैशटैग को आपको हर वीडियो में यूज करना है, एक अपना पर्सनल हैशटैग बना के, ताकि उस हैशटैग पर आपके सारे वीडियो जाते रहें, तो उस पर आपको वीडियो और भी रैंक करने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आपको हैशटैग जरूर लगाना है, और आपका वीडियो जिस भी रिलेटेड है, मान लीजिए आप फनी वीडियो बना रहे हैं, पबजी का बना रहे हैं, तो और भी रिलेटेड बना रहे हैं, काइन मास्टर पे एडिटिंग बना रहे हैं, अब एडिटिंग और भी फोटो एडिटिंग बना रहे हैं, उस तरीके का हैशटैग को आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूज करना है, ताकि आपका भी वीडियो उस हैशटैग पर रैंक करे। ठीक है, आपको हैशटैग जरूर लगाना है। दोस्तों इसके बाद आ जाता है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिखना होगा लिख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ अपना लिंक वगैरह भी दे सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को बहुत ही बारीकी से एडिट करना है, और ध्यान रखना आप जो भी डिस्क्रिप्शन यूज कर रहे हैं उसको आपको सारे वीडियो में यूज करना है। आपको एक डिस्क्रिप्शन अच्छे से बनाना है और उसको आपको कॉपी करके अपने पिन कर लेना है, उसको पेस्ट करना है और उसको थोड़ा बहुत एडिट करना है, और सारे के सारे पर आपको जिससे वीडियो का रिलेटेड है उसको बस आपको चेंज करना है, और आपको जो भी टैग वगैरह डिस्क्रिप्शन में लगा रहे हैं उसको आपको सारे डिस्क्रिप्शन में एक ही डिस्क्रिप्शन लगाना है। बस आपका वीडियो के रिलेटेड आपको चेंज करना, कुछ एडिट करके आपको सारे डिस्क्रिप्शन मैच खाने चाहिए। ठीक है, और दोस्तों जो चौथा टिप आता है आपको वीडियो अपलोडिंग करने के लिए, वो आ जाता है आपका टैग। दोस्तों टैग इतना मायने रखता है आपको वीडियो को सर्चेबल टॉपिक में जाने के लिए, कि मैं आपको क्या बताऊं कि जो टैग होता है उसी को जो भी लोग सर्च करते हैं, आप भी सर्च करते हैं जो यूट्यूब पर जाके, वो टैग से मैच खाता है, टैग, डिस्क्रिप्शन, टाइटल तीनों से मैच खाता है, तभी आपका वीडियो सबसे ऊपर में रैंक करता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको टैग को बहुत ही सावधानीपूर्वक सोच समझ के लगाना है, उस वीडियो को लोग क्या क्या कहकर सर्च कर सकते हैं। आप टैग के लिए अब यूट्यूब पर भी जाकर सर्चेबल में लिखना है, आप जो भी बना रहे हैं आपको उसको लिखना है, दो चार अक्षर लिखते हैं उसका पूरा आ जाता है, तो उसको आपको कॉपी करना है और अपने टैग में लगा देना है, ताकि उसको जब लोग कोई भी सर्च करें तो आपका वीडियो रैंक करने का चांसेस बढ़ जाए। आपका टैग से आपका वीडियो सर्च में जाता है और डिस्क्रिप्शन से आपका वीडियो ऊपर में जाता है। तो आपको टैग को सही से लगाना है और डिस्क्रिप्शन को सही से लगाना है, तभी जब आपने देखा होगा कोई भी आप वीडियो सर्च करते हैं उसका वीडियो सबसे ऊपर रैंक करता है, जिस पर उससे ज़्यादा व्यूज़ भी आते हैं। तो आपको जो टैग और डिस्क्रिप्शन है, आपको टैग के चलते आपका वीडियो जो सर्च करता है उसमें जाता है, साथ ही आपका डिस्क्रिप्शन के चलते आपका वीडियो सबसे ऊपर जाता है। तो आपको टैग और डिस्क्रिप्शन बहुत ही सावधानीपूर्वक ध्यान से लगाना है। ठीक है, आपको कोई भी हड़बड़ी, जितना मेहनत आप अपने वीडियो में एडिटिंग में लगाए हैं उतना ही मेहनत आपको वीडियो को पब्लिक में करने के लिए आपको अपने वीडियो पर मेहनत करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको टैग, डिस्क्रिप्शन, टाइटल तीनों कुछ बहुत ही बारीकी से लगाना होगा। और दोस्तों आप अपने वीडियो पर कमेंट का, लाइक का, जो भी हाईलाइट होता है उसको डिसेबल ना करें, क्योंकि जो आपके वीडियो पर जितने ही ज़्यादा कमेंट आते हैं यूट्यूब वाला सोचता है कि इस पर लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपको कमेंट को रिप्लाई भी देना है, जिससे यूट्यूब वाला सोचता है कि इस कमेंट से लोग से जुड़ रहा है, तो आपको वीडियो को और भी ऊपर ले जाना शुरू कर देता है, हाईलाइट करना शुरू कर देता है। तो आपको टैग, डिस्क्रिप्शन, टाइटल बहुत मायने रखता है वीडियो अपलोडिंग के लिए। आपको बहुत ही सोच समझ के आपका जैसा वीडियो है उसी तरीके से आपका टैग, डिस्क्रिप्शन, टाइटल को लगाना है। तो आपको
दोस्तों मैंने 5 टिप बताया कि एक अच्छा यूट्यूब को वीडियो अपलोडिंग करने से पहले इस 5 टिपों को आपको बहुत ही ध्यान से बारीकी से सोच समझ कर लगाना होगा, तभी आपका वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएगा, CTR हाई होगा, रीच ज़्यादा आएगा। तो आपको इस 5 पॉइंटों को बहुत ही ध्यान से लगाना है, ठीक है दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको इसके रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे को सपोर्ट करते रहें, मैं आपको सपोर्ट करते रहूँगा। और आप कमेंट बॉक्स में बताना तो ना ही भूलें कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपको नेक्स्ट टॉपिक पर कौन सा वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, एक वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत लगते हैं, वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ऐसे वीडियो जानते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।